पाठ 12 है वाच्य। वाच्य वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। इन उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। वह आम खाता है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अब मुझसे चला नहीं जा। पहले उदाहरण में कर्ता वह की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म अंग्रेजी की प्रधानता है और इस बात पर बिल्कुल बल नहीं दिया गया कि कर्ता कौन है। वास्तव में इस वाक्य में कर्ता उपस्थित नहीं। तीसरे उदाहरण में न कर्ता की प्रधानता है और न कर्म की, यहाँ चलने के भाव की प्रधानता है। वाच्य के भेद। कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता के अनुसार वाच्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कृत्रिवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर होती है वह कृत्रिवाच्य होता है, जैसे मोहन गीत गाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मोहिनी प्रतिदिन शाम को मंदिर जाती है। पहले उदाहरण में मोहन कर्ता है और गाता है क्रिया है। कर्ता मोहन पुल्लिंग एक वचन है तथा क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है, स्पष्ट है कि क्रिया कर्ता के अनुरूप है। दूसरे उदाहरण में कर्ता पक्षी और क्रिया उड़ते हैं, दोनों पुल्लिंग बहुवचन में है, यहाँ भी क्रिया कर्ता के अनुरूप है। तीसरे उदाहरण में कर्ता मोहिनी एक वचन स्त्रीलिंग है और क्रिया जाती है भी एक वचन स्त्रीलिंग है, यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग होने के कारण क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई है। स्पष्ट है कि कृत्रिवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप होती है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में पहले उदाहरण की क्रिया सकर्मक है किंतु दूसरे और तीसरे उदाहरण की क्रिया कर्मक है। याद रखिए, कृत्रिवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के बनने के आधार पर होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, जैसे मेरे द्वारा दो पुस्तक पढ़ी गयी, यहाँ जूते बेचे जाते हैं, झगड़ा होने पर पुलिस बुलाई गई। पहले उदाहरण में पुस्तकें कर्म हैं और पढ़ी गई क्रिया है। कर्म बहुवचन स्त्रीलिंग में है और क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग में है, स्पष्ट है कि क्रिया कर्म के अनुरूप है। दूसरे उदाहरण में कर्म जूते बहुवचन पुल्लिंग में है और क्रिया बेचे जाते हैं भी बहुवचन पुल्लिंग में है, अतः यहाँ भी क्रिया कर्म के अनुरूप है। तीसरे उदाहरण में कर्म पुलिस और क्रिया बुलाई गई दोनों एक वचन स्त्रीलिंग में है, यहाँ कर्म के एक वचन स्त्रीलिंग होते ही क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग हो गई। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होती है। ऊपर दिए गए तीनों उदाहरणों की क्रिया सकर्मक है, एक भी उदाहरण में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिए, कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। भाव वाच्य जिस वाक्य में क्रिया पर कर्ता अथवा कर्म में लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता वहाँ भाव वाच्य होता है, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे ठंडा पानी से नहीं नहाया जाता, मोहन से उठा नहीं जाता। इन उदाहरणों में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नहीं हुआ है। इन वाक्यों में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता है, इसे भाव वाच्य क्रिया भी कहा जा सकता है। ऊपर दिए गए तीनों उदाहरणों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। याद रखिए, भाव वाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही